अब आइए हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमने देखा कि अगर a ग्रेटर देन 1 रहा तो इट इज ए इंक्रीजिंग एंड इट अगर a लेस देन 1 रहा तो इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखते हैं कि बेस का वैल्यू बढ़ने से और घटने से क्या होगा। देखिए अगर बेस का वैल्यू हम जैसे सपोज 2 रखे राइट, तो हम 2 रखेंगे तो ये यहां से ऐसे जाए। देखिए सबसे पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, इट इज ऑलवेज फॉर द फंक्शन है 0 1, तो यहां से ये ऐसे जाएगा राइट और यहां से ऐसे होकर के नाउ दिस इज स्मूथ होना चाहिए, ब्रेक टाइप नहीं लगे। तो दिस इज 2 to the power x। अगर हम 2 की बात करें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा और हमेशा इसको कट करेगा 0 और 1 पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि हमारा बेस का वैल्यू बढ़ता है, बेस का वैल्यू बढ़ता है तो क्या होगा, अगर हम 3 to the power x की बात करें तो देखिए इधर में तो ये जाएगा, इधर में ये ऐसे बेस बढ़ने से फंक्शन का वैल्यू बढ़ेगा इसलिए ये स्टीपर होते जाएगा। तो क्या होगा यहां पर इस पॉइंट पर ये आना यहीं से है और ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी होना है तो ये पार्ट आपका हो जाएगा नीचे। अगर इसको हम लोग करें तो दिस इज 3 to the power x राइट, और इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, ये ग्राफ बढ़ते जाएगा। अगर हम 4 to the power x करें राइट तो ये कुछ ऐसे आएगा, दिस इज 4 to the power x ऊपर में और यहां पर क्या होगा, यहां पर इट कम्स लाइक दैट। तो देखिए इससे क्लियर हो रहा है आपको, इससे क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे बेस का वैल्यू बढ़ेगा, ये नंबर 1 इसमें रिमार्केबल पॉइंट लिख लीजिए कि एज द वैल्यू ऑफ बेस इंक्रीजेस इन केस ऑफ y इज इक्वल टू a to the power x एज द वैल्यू ऑफ बेस इंक्रीजेस, ठीक है, ग्राफ बिकम्स मोर एंड मोर स्टीपर। बियॉन्ड x इज इक्वल टू 0 राइट, बियॉन्ड x इज इक्वल टू 0 एंड इधर देखिए एंड लेस स्टीपर बिफोर x इज इक्वल टू 0 राइट। देख लीजिए ये यहां पर देख रहे हैं तो जैसे जैसे हो रहा है ये खड़ा होते जा रहा है, ग्राफ खड़ा होते जा रहा है, मतलब इट बिकम्स मोर एंड मोर स्टीपर। और इसके पीछे में नीचे में देखें यहां से x इज इक्वल टू 0 दिस इज द पॉइंट 0 0, तो इसके इधर लेफ्ट में देखते हैं तो क्या होता है कि इट बिकम्स लेस स्टीपर राइट। अब आइए साथ ही साथ कंपेरिजन हम कर लेते हैं, ये क्या होगा, ये उस केस के लिए है नाउ, ये उस केस के लिए है जब हमारा व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ आइए अभी इधर हम देखते हैं कि जब a लेस देन 1 होगा तब क्या होगा राइट। जैसे a लेस देन 1 होगा तो उस केस में ये क्या होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे हम ये करें 1/2 का, ये जो सारे ग्राफ है हमारे पास 1/2 का हम करते जाए राइट, तो अगर 1/2 का करेंगे हम तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 1 पर ही होगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा, यहां पर आ करके और करना चाहिए इसको कि देखिए ये यहां से सीधे ऐसे जाएगा, इधर थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो दिस इज y इज इक्वल टू
या ऐसे ही लिखते हैं 1 बाई 2 टू दी पावर x. अगर 1 बाई 2 टू दी पावर x का ग्राफ लिखेंगे तो ये ऐसे जाएगा, राइट. अब अगर मान लीजिए कि 1 बाई 4 बेस हमारा और कम हुआ, बेस हमारा और कम हुआ तो क्या होगा, 1 बाई 4 वाला ग्राफ थोड़ा सा क्लोजर होगा y एक्सिस के, राइट. तो अगर इसको ब्लू कलर से हम प्लॉट करते हैं तो ऊपर में तो ऐसे होगा और नीचे में क्या होगा, ये इस तरह से जाएगा. तो दिस इज 1 बाई 4 का पावर x, राइट. बेस कम होने से ये y एक्सिस से क्लोजर जा रहा है. और सिमिलरली अगर हम 1 बाई 8 कर देते हैं इसको तो ये ऐसे और स्टीपर जाएगा इधर से, और यहां से जाकर के ये ऐसे रहेगा. तो दिस इज 1 बाई 8 का पावर x, राइट. यानी इधर में हम क्या देखें, इसके लिए जनरलाइज हम ये क्या लिखेंगे कि हमारा 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1. अगर हमारा बेस 0 और 1 के बीच में है, 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता है, 0 नहीं हो सकता, तो इस समय इसका नेचर ये होगा. और इसको अपने हिसाब से हम लोग नोट कर लेंगे. जैसे इसमें देखेंगे कि देखिए जैसे जैसे बेस का वैल्यू कम होगा इट बिकम्स मोर क्लोजर टू आई एक्सिस, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 के पहले ये ज्यादा स्टीपर होगा, राइट. और एक्स इज इक्वल टू 0 के बाद ये कम स्टीपर होगा, ठीक. इसके रिवर्स डायरेक्शन में ये चलता है. तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है. हमने दोनों के स्टडी कर लिया, ए इज ग्रेटर देन 1 एंड ए लाइन बिटवीन 0 एंड 1. ओके, थैंक यू.